आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोई 20,000 रुपए की धनराशि है, ठीक है, और उस 20,000 रुपए की धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 15 माह के लिए निवेशित किया गया और 15 माह के अंत में प्रतिशत लाभ जो है वो क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। और ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि ऑप्शन एक है 12.5%, ऑप्शन दो है 13.6%, ऑप्शन तीन है 13.0% और ऑप्शन चार है 13.4%। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो आप क्या मानेंगे, सबसे पहले जो चीजें दी हुई है वो लिख लेंगे। तो मूलधन दिया हुआ है मेरे को, मूलधन अपना कितना है 20,000 रुपए, ठीक है, दर कितनी है 10%, ठीक है, अर्धवार्षिक ब्याज है, अर्धवार्षिक दर है और ब्याज कितने टाइम के लिए है 15 माह के लिए, समय दे दिया है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा ब्याज, ब्याज यहां लिखूंगा मैं, अर्धवार्षिक है तो 6-6 महीने के लिए, तो पहले 6 माह पे क्या ब्याज रहेगा, अगले 6 माह पे क्या ब्याज रहेगा और फिर अगले 3 माह पे क्या ब्याज रहेगा, इसको मैं यहाँ पे जो है इसकी गणना करूंगा। 20,000 रुपए दिया इसने, तो 20,000 का ब्याज कितना, दर कितनी है 10% और 6 माह की है तो दर क्या हो जाएगी आधी, तो 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या रहा है यहाँ पे 1,000 रुपए ब्याज है 20,000 रुपए का 6 माह के लिए 5% की दर से, क्योंकि समय से ज्यादा समय कम करेंगे तो दर भी क्या हो जाएगी आधी, 12 माह के लिए दर कितनी है 10%, तो 6 माह के लिए कितनी हो जाएगी वो 5% हो जाएगी, तो यहाँ कितना आ गया 1,000 रुपए हो गया ब्याज 6 महीने के लिए 20,000। अब इस 6 महीने पे 20,000 का 5% की दर पे यहाँ 1,000 था तो इसका ब्याज भी कितना रहेगा 1,000, लेकिन दिया क्या हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 1,000 रुपए का 5% की दर से ब्याज कितना हुआ, कितना हुआ 50 रुपए, तो यहाँ हो गया 50 रुपए और एक्स्ट्रा ब्याज। अब 3 माह के लिए बात करेंगे, तो 6 महीने का ब्याज 1,000 रुपए था, 12,000 रुपए, तो 3 महीने के लिए 1,000 का आधा 500 रुपए, फिर ये 1,000 है उसका आधा कितना 500 रुपए वैसे हो गया। अब क्या करेंगे अपने, इस जो ये अपने को यहाँ पे मिला 50 रुपए और अब 3 माह के लिए आधा ब्याज अपने को जोड़ना पड़ेगा, तो जब इस 1,000 का ब्याज यहाँ 50 रुपए है 6 माह के लिए तो इसका कितना रहेगा 25 रुपए, कितना रहेगा 25 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद अपने बात करें, ये आ गया पहले 10,000 का 20,000 का 3 महीने के हिसाब से ब्याज कितना 500 रुपए, ठीक है, फिर 1,000 रुपए का इसका जो है 5% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज, तो इस 1,000 का कितना था 50 रुपए था, तो इस 1,000 का ब्याज कितना हो जाएगा 3 महीने के हिसाब से 50 से ज्यादा 25 रुपए, फिर इस 1,000 का कितना हो जाएगा फिर 25 रुपए और इस 50 का बचेगा, तो 3 महीने के लिए 50 और मतलब क्या हुआ इस 25 का 6 माह के लिए कितना हो जाएगा 3 माह के लिए इससे भी ज्यादा हो जाएगा, तो 50 5% की दर से मैं करूंगा तो 50 गुणा कितना हो जाएगा 2.5, है ना, तो 2.5/100, तो ये कितना हो जाएगा लगभग, अगर यहाँ कितना है 25 है तो ये लगभग कितना हो गया 12.5, समझ गए कि पहले इस पे सिर्फ 20,000 का ब्याज, ये मैं लिख सकता हूं 20,000 का ब्याज, ये भी 20,000 का ब्याज प्लस इस 1,000 का ब्याज, ये क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब मैं जब यहां पहुंचूंगा तो यहां कितने ब्याज लगेंगे, एक तो पहले तो इस 20,000 का लगना ही लगना है, तो ये 500 रुपए तो हो गया 20,000 का 3 महीने के लिए, फिर इस 1,000 रुपए का ब्याज, फिर इस 1,000 रुपए का ब्याज और फिर इस 50 रुपए का ब्याज, तो तीनों ब्याज कैलकुलेट करें, टोटल ब्याज देखते कितना हुआ, यहां कितना है अपने पास 1,000, यहां 1,050 और यहां पे 562.5, अब टोटल जोड़ेंगे ब्याज को, फिर देखते हैं टोटल ब्याज कितना आ गया, टोटल ब्याज निकाले अपने
टोटल ब्याज कितना हुआ? 1000 प्लस 1050 प्लस 562.50, तो ये कितना हुआ? 1000 1000 2000 2000 और 5 2500 2500 और 62.50 कितने हुए? 2612 रुपए। दे लो 1000 2000 2000 2500 2500 50 2500 और 60 2612 रुपए 50 पैसे। ये तो क्या हो गया? ब्याज। लाभ या हानि निकालिए। लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। तो ये मूलधन जो है वो किसका काम करेगा? क्रय मूल्य का काम करेगा। तो अब लाभ निकालो, अब कितना आया आपके पास? लाभ निकालने के लिए मैं करूंगा प्रतिशत, जो लाभ निकलेगा मेरा वो कितना निकला है? 2612.50 बटे 20,000 गुणा 100। यहां ये कैंसिल हुआ तो भाग दिया मैंने, दो का भाग देते हैं पहले, क्या आया? 2 एकम 2, यहां पे क्या बचा? 2 एकम 2, 2 3 6, 1306.25। तो यहां कितना आ गया? 1306.25 बटे कितना रहा? 100। तो यहां क्या आ गया? 13.06%। तो दशमलव के एक तक देना है तो क्या आ गया? 13.0%। और यही मेरा क्या रहा? आंसर। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए मेरा क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है। थैंक यू दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।